भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अखिल विश्व गायत्री परिवार गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार द्वारा 26 मई 2021 को सुबह 8 बजे से अपराह्न 12 बजे के मध्य आयोजित विश्व स्तरीय गायत्री महायज्ञ पर पत्रकार वार्ता का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ दानुपुर बड़ा लालपुर वाराणसी के प्रांगण में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए किया गया, जिसमें प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार छायाकार बंधु उपस्थित हुए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पंडित गंगाधर उपाध्याय मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी ने विश्व स्तरीय गायत्री महायज्ञ पर पत्रकार बंधुओं को बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित विश्व स्तरीय यज्ञ में विश्व के 100 से अधिक देशों में गायत्री साधक दिनांक 26 मई 2021 को सुबह 8 बजे से 12 बजे के मध्य एक साथ अग्निहोत्र कर कोरोना संक्रमण का यज्ञ उपचार प्रक्रिया संपन्न करेंगे। पंडित गंगाधर उपाध्याय ने योग्योपैथी एक वैज्ञानिक उपचार पर बताया कि वर्तमान में कोरोना संकट के समाधान हेतु कई प्रयोग किए जा रहे हैं, उन प्रयोगों में यज्ञोपैथी सबसे कारगर है। कोरोना जैसे सूक्ष्म वायरस जो हवा में फैलता जा रहा है, उसको हवा में मार देने का सबसे बढ़िया तरीका यज्ञ है। देश एवं दुनिया में विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि कुछ विशेष वन औषधि से यज्ञ किया जाए तो वातावरण में फैले 98% सूक्ष्म से सूक्ष्म विषाणु को नष्ट किया जा सकता है। आगे बताया कि दिनांक 26 मई को बिना जाति पाति एवं धर्म संप्रदाय का भेद किए इस महामारी के शमन एवं अपने घरों को सैनिटाइज करने के लिए अग्निहोत्र हेतु अखिल विश्व गायत्री परिवार ने आह्वान किया है, जिसमें विश्व के लाखों घरों में यज्ञ का कार्य संपन्न होगा। श्री रमन कुमार श्रीवास्तव मीडिया प्रभारी गायत्री परिवार वाराणसी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के आध्यात्मिक उपचार हेतु वाराणसी जिले में लगभग 10,000 गायत्री साधक दिनांक 26 मई को अपने अपने घरों में परिवार संग यज्ञ में सुबह 8 बजे से आहुतियां प्रदान करेंगे। इस यज्ञ अभियान में वैदिक ब्राह्मण संघ अन्य धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं से भी 26 मई को यज्ञ में भागीदारी हेतु अनुरोध किया गया है। आगे बताया कि 26 मई को सुबह 8 बजे से ऑनलाइन कर्मकांड के मध्य से भी यज्ञ की व्यवस्था किया गया है। गायत्री साधक यज्ञ के पूर्व कम से कम 5 वृक्षारोपण के संकल्प के साथ शाकल्य शाकला में गुड़ काली तिल जैत्री दालचीनी लौंग कपूर बड़ी इलायची जायफर तेजपत्ता नीम की सूखी पत्तियों पीपल की सूखी पत्तियों गिलोय की सूखी डंडियों गुगुल लोहबान को मिश्रित कर गाय की गोहरी आम की लकड़ी एवं तुलसी की सूखी लकड़ी की क्षमता प्रज्वलित कर गाय के घी से अग्निहोत्र करेंगे, ताकि वातावरण में फैले कोरोना वायरस एवं अन्य विषाणुओं का समूल नाश हो सके एवं वातावरण में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा प्रभावित होने के साथ घर भी सैनिटाइज हो जाए। पत्रकार वार्ता में भी श्री गंगाधर उपाध्याय रमेश सिंह विनोद पांडे अवधेश सिंह सत्यप्रकाश गुप्ता एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम गंगाधर उपाध्याय है, मैं मुख्य इंडस्ट्री गायत्री परिवार ट्रस्ट वाराणसी। गुरु जी किस प्रकार प्रेस वार्ता किया, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए इस समय तो पूरी दुनिया में कोरोना से सारे लोग निजात पाने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, और हमारा जो आज का मेडिकल साइंस है इसके लिए बहुत ही अथक प्रयास कर रहा है। तो हमारा गायत्री परिवार अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार एक समग्र इससे उबरने का प्रयास, जैसे सेवा सहायता के कार्य हैं, दवा का कार्य है, सब सेवा के कार्य चल रहे हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं जा रहा है कि इस वायरस को मारने का तरीका क्या है, यह वायरस कैसे ख़त्म होगा। तो इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, अभी उत्तर प्रदेश के जो है एक वैज्ञानिक ने शोध किया कि अगर यज्ञ के माध्यम से हम कुछ विशेष औषधियों को वन औषधियों को डाल करके हवन करें। कई रिसर्चों में आया है, बार बार बातों कहने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति जानता है कि जो यह यज्ञ की प्रक्रिया है यह वास्तव में एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया हों। अभी एक शोध आया था कि एक वैज्ञानिक ने एक जगह प्रयोग किया और फिर उसने उससे पहले का लेवल देखा, उसने के वायरस का लेवल क्या है,
फिर उसके बाद उसने देखा तो देखा कि 98% वायरस उस एरिया से जा चुके हैं और लगभग 24 घंटे तो पूर्णतया वातावरण बना रहता है, लेकिन एक महीने तक वहाँ वातावरण लगभग ठीक रहता है। तो गायत्री परिवार ने, अन्य कई संस्थाओं ने, कई धर्माचार्यों ने भी इसके लिए इसके विषय में कहा कि हाँ ये एक उचित प्रक्रिया है। तो गायत्री परिवार 3 तारीख से ही वाराणसी में हम लोग एक समूह यज्ञ की प्रक्रिया से चल रहे थे और उस समय पूरे विश्व में यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। और फिर हम लोग 26 तारीख को 100 देशों में, पूरे विश्व के 100 देशों में, जहाँ जहाँ भी हमारा संगठन मिशन है वहाँ पे अन्य संस्थाओं से, अन्य लोगों से मिल करके निवेदन करके एक यज्ञ वातावरण बना कर के एक साथ सबको समूह में प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के और 12 बजे तक के बीच में सबको कहा जा रहा है कि आप यज्ञ करें। और विशेष जो उसकी औषधियाँ हैं, उन औषधियों में जैसे घर में बहुत चीज़ें रहती हैं, नीम की पत्ती है, गिलोय है, तुलसी है, मरीच है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सी जो भी औषधियाँ हमारे भोजनालय में भी कई प्रकार की औषधियाँ हैं जिसमें सेवन करते हैं, दालचीनी है, ये सब डाल करके आप उसमें गुड़, चावल और काला तिल डाल करके यज्ञ करेंगे तो इससे वातावरण शुद्ध होगा। और वैज्ञानिक दृष्टि से यज्ञ एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है और आदिकाल से ही ऋषि मनीषियों ने कहा कि भारत के संस्कृति के दो निर्माता हैं, यज्ञ पिता, गायत्री माता। यज्ञ इस सृष्टि का पिता है, संचालक है। तो यज्ञ हर व्यक्ति को अपने जीवन में यज्ञ को स्वीकार करना चाहिए। हमारे जितने संस्कार होते हैं सभी यज्ञ के माध्यम से होते हैं और यज्ञ से वातावरण पर्जन्य की शुद्धि, पर्जन्य उससे उत्पन्न होता है, वर्षा होती है और वातावरण शुद्ध होता है। इससे बैक्टीरिया को जहाँ तक समाप्त करने की बात है तो इसके लिए कई वैज्ञानिक शोध आ चुके हैं, जिस वैज्ञानिक शोध के आधार पर अब लोगों को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि नहीं, वास्तव में हमें यज्ञ से ही इस बैक्टीरिया को हम मार सकते हैं, भगा सकते हैं या सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए इस यज्ञ में जो ऑनलाइन है हमारा वो लिंक भी सब जगह वायरल किया जा रहा है, आप स्वयं नहीं कर सकते तो हमारे लिंक से जुड़ें, शांति कुंज के वेबसाइट से जुड़ें, शांति कुंज के फेसबुक चैनल से जुड़ें, यूट्यूब चैनल से जुड़ें, वहाँ से लाइव यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। वो लोग बैठ करके उस अनुसार अपनी आहुतियाँ डालें और पूरे विश्व को कोरोना मुक्त करने के लिए एक भारतीय वैज्ञानिक सैनिटाइजर पद्धति जो है यज्ञ, इसके माध्यम से अगर सहयोग करें तो बहुत जल्द हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सेवा दल बनाए हैं और हर ब्लॉक में हमारे जो सेवा दल हैं वो हर ब्लॉक में 500, 600, 700 घरों में जाकर के पहले ही हवन सामग्री उनको दे आए हैं और उनकी लिस्ट बना रहे हैं ताकि आप वो अपने घरों में एक करके एक पूरे गांव से लेकर देहात तक सारा वातावरण हर जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में, जहाँ भी हमारा कोई ऐसा भारतवर्ष का जिला नहीं है जहाँ गायत्री परिवार संगठन न हो। लेकिन ये केवल गायत्री परिवार के लिए कार्यक्रम आयोजित नहीं है, यह हमारा निवेदन है, सबसे प्रार्थना है कि जहाँ तक यह बात पहुँचे सभी लोग अपने घरों को शुद्ध करें, यज्ञ के माध्यम से घर को सैनिटाइज करें और कोरोना महामारी से बचाव में अपना सहयोग दें।